हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की जो वीडियो है ये है 50 एमसीक्यूज ऑन जनरल साइंस फॉर जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम्स। ओके, सो जनरल साइंस जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, उस पर हम जो है आज 50 एमसीक्यूज लेके आए हैं। और ये जो जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं, ये आपको और भी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और एंड में अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो ए है स्पीड, बी है वेलोसिटी, सी है टॉर्क और डी है डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी सी डी क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी आउट ऑफ दिस फॉलोइंग। ठीक है, सो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हमने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन जो हैं 50 जो हैं कंबाइन किए। ओके, सो आपको यहाँ पे तीनों जो चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो देखने को मिलेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? ए एनर्जी, बी पावर, सी फोर्स, डी मोमेंटम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। ठीक है, सो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, द क्वांटिटी वेट इज मेजर्ड बाय, तो जो वेट है, ठीक है, वेट क्वांटिटी जो होती है वो हम किससे मेजर करते हैं? ए है बीम बैलेंस, बी है कॉमन बैलेंस, सी है स्प्रिंग बैलेंस और डी है बैलेंस व्हील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, सी। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है इसी से हम वेट को मेजर करते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ, तो जो एक बॉडी का वेट होता है वो किसके थ्रू, कौन से सेंटर के थ्रू एक्ट करता है? तो ए है ग्रेविटी, बी है मास, सी है बोथ ए एंड बी और डी है बायोंसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ क्वेश्चन, राइज ऑफ मर्क्यूरी इन अ बैरोमीटर इंडिकेट्स, तो जब बैरोमीटर जो होता है उसमें जब मर्क्यूरी राइज होती है तो उसका क्या मतलब होता है? ए है फेयर वेदर, बी है स्टॉर्म, सी है रेन और डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फेयर वेदर जो होता है वो इसको इंडिकेट करता है जब बैरोमीटर में मर्क्यूरी जो है वो राइज करती है। ठीक है, सो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेयर वेदर। सिक्स क्वेश्चन, इन विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो इन चार में से, मीडियम में से ऐसा कौन सा है जिसमें वेलोसिटी जो होती है साउंड की वो मैक्सिमम होती है? तो ए है एयर, बी है मेटल्स, सी है वाटर, डी है पॉलीमर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेटल्स में जो होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो मैक्सिमम रहती है। सेवन्थ क्वेश्चन, डेसिबल इज अ टर्म कनेक्टेड विद, तो डेसिबल जो टर्म है वो किससे कनेक्टेड है? ए है एयर, बी है वाटर, सी है साउंड और डी है सॉइल। तो डेसिबल आपको पता है किसकी है? साउंड की। ठीक है, तो सेवन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउंड जो है वो डेसिबल है से हम चेक करते हैं। ठीक है, सो मेजर करते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन द हेड लाइट्स ऑफ व्हीकल्स, तो जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो हेडलाइट्स होती हैं उस पर कौन से तरह का मिरर यूज होता है? तो ए है प्लेन मिरर, बी है कनकेव मिरर, सी है कन्वेक्स मिरर और डी है पैराबोलिक मिरर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कनकेव मिरर जो होता है वो यूज़ किया जाता है व्हीकल्स की हेडलाइट्स पे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है एट्थ क्वेश्चन का। नाइन्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नन अपीयर्स, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एब्जॉर्ब करता है सारे कलर लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करता उस कलर को, किसी भी कलर को वापस, तो उस वो कौन सा होता है? ए है ब्लू, बी है ब्लैक, सी है वाइट और डी है ग्रे। तो नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे कलर लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता। ठीक है, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक। टेंथ क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट्स कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, वाइट लाइट जो होती है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है किसकी वजह से? तो ए है ट्रांसमिशन, बी है रिफ्रैक्शन, सी है रिफ्लेक्शन और डी है डिस्पर्शन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिस्पर्शन जो होता है वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्शन। 11th क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज ड्यू टू, पानी में जो सी होती है, ठीक है, उसमें पानी का रंग जो होता है वो ब्लू क्यों होता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ए है एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर कलर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, बी है रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्लू लाइट बाय द इम्प्योरिटीज इन सी वाटर, सी है रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय द स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और डी है नन। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय
बाय सी वाटर, जब सी वाटर पे जब लाइट आती है ठीक है, तो स्काई की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और स्कैटर हो जाती है ब्लू लाइट वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ठीक है. सो उसकी वजह से जो पानी का रंग होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है सी में ठीक है. सो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. 12th क्वेश्चन, अ कंपास नीडल कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट, जो कंपास की नीडल होती है वो क्या नहीं डिटेक्ट कर सकती इनमें से ठीक है, इनमें से क्या चीज़ जो है वो कंपास नीडल का यूजेज नहीं है. ए है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये तो करती है. बी है पोलैरिटी ऑफ अ मैग्नेट, ये भी होता है. सी है स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट और डी है डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इन सब में जो गलत जवाब है वो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट ठीक है. स्ट्रेंथ जो है वो नहीं, कंपास नीडल जो है वो कभी भी स्ट्रेंथ नहीं डिटेक्ट करती, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिटेक्ट करती है, पोलैरिटी डिटेक्ट बताती है और डायरेक्शन जो होती है वो बताती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है कंपास नीडल नहीं बताती ठीक है. सो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट. 13th क्वेश्चन, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है. ए है कॉपर, बी है आयरन, सी है एल्यूमिनियम और डी है सिल्वर. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर ठीक है. सिल्वर जो है इन चार ऑप्शन में से बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. 14th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने आइडेंटिफाई किया था. ए है जे जे थॉम्सन, बी है डैनियल रदरफोर्ड, सी है जे केपलर और डी है जेम्स चैडविक. तो 14th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है. जे जे थॉम्सन जो थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो आइडेंटिफाई किया था ठीक है. सो ए राइट आंसर है 14th का. 15th क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, ए एंगस्ट्रॉम, बी कैंडेला, सी फर्मी और डी क्यूरी. तो 15th का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूरी ठीक है. रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है. 16th क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिजम्स इज, ए रेडियो कार्बन डेटिंग, बी इलेक्ट्रोपोरेशन, सी काउंटिंग द एनुअल रिंग्स और डी माइक्रो मैनिपुलेशन. तो इसका क्या राइट आंसर है, हम जो फॉसिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है उनकी जो एज होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, रेडियो कार्बन डेटिंग ठीक है. रेडियो कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम एज ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है. सो 16th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक है. इसमें हम ये पता लगाते हैं कि ये कितना पुराना फॉसिल है और ये सब चीज़ें ठीक है. सो 17th क्वेश्चन, अ लाइटेड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड व्हेन कवर्ड विद अ टम्बलर बिकॉज ऑफ, एक जो लाइटेड कैंडल है ठीक है, एक कैंडल जो होती है वो बुझ क्यों जाती है जब हम उसको एक टम्बलर से कवर कर देते हैं. तो ए है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर, बी है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर, सी है प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनियस मैटर और डी है नन ऑफ द अबव. तो अगर हम इसको टम्बलर से कवर कर देंगे तो एयर तो सप्लाई तो बंद हो जाएगी और यहाँ पे दिया है कि प्रेजेंस ऑफ नॉन ल्यूमिनियस मैटर, तो ऐसा भी नहीं है. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर जब हो जाती है तो यहाँ पे जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है ठीक है. सो अ लाइटेड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड व्हेन कवर्ड विद अ टम्बलर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एयर ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी जो है 17th का राइट आंसर है. 18th क्वेश्चन, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद डिफेक्टिव किडनीज, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, जो डायलिसिस होती है आपको पता है जिनकी भी किडनीज में प्रॉब्लम होती है तो उनको डायलिसिस किया जाता है. तो ये पूछे हैं कि यहाँ पे डायलिसिस में कौन सी, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व होती है. तो ए है एड्सॉर्प्शन, बी है ऑस्मोसिस, सी है इलेक्ट्रोफोरेसिस और डी है डिफ्यूजन. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक है. ऑस्मोसिस जो होती है ये प्रोसेस की जाती है ड्यूरिंग डायलिसिस ऑफ अ पर्सन विद डिफेक्टिव किडनीज ठीक है. सो 18th का बी राइट आंसर है. 19th क्वेश्चन, इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सन सरफेस इज, तो सन के सरफेस पे एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उसके साथ साथ एक और एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा है. तो ए है हीलियम, बी है नियॉन, सी है आर्गन और डी है ऑक्सीजन. तो जो अबंडेंस में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए जो है 19th का राइट आंसर है, हीलियम इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सन सरफेस. 20th क्वेश्चन, विच एटम इज नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स, तो कौन सा एटम जो है इन चार में से प्रोटीन्स में नहीं फाउंड किया जाता. तो ए है कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी फॉस्फोरस और डी सल्फर. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोरस ठीक है. 21st क्वेश्चन, कार्बन ग्रेफाइट एंड डायमंड आर टुगेदर कॉल्ड, तो इन तीनों को हम एक साथ जब करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं. ए है आइसोमर्स, बी एलोट्रॉप्स, सी आइसोमॉर्फस और डी आइसोटोप्स. तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है. इन तीनों को इकट्ठे जो है
एलोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है. सो कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड आर टुगेदर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. 22, बैलून्स आर फिल्ड विद, तो बैलून्स जब हम फुलाते हैं तो उनको किस चीज़, कौन सी गैस से जो है बैलून्स को फिल किया जाता है, तो ए है हीलियम, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन और डी है आर्गन. तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीलियम, ठीक है. 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट गैस, इन चार में से लाइटेस्ट गैस कौन सी है. ए है नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन चार में से लाइटेस्ट गैस है. 24th क्वेश्चन, द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी कैल्शियम और डी सिलिकॉन. तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सोलर सेल्स जो है उनको बनाने में यूज़ किया जाता है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन, ठीक है. सिलिकॉन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स. 25th क्वेश्चन, इन डीप सी डाइविंग डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड, तो जो डीप सी डाइविंग करते हैं डाइवर्स, ठीक है, वो आपको पता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह सिलेंडर लेके जाते हैं नीचे, ठीक है. तो वहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जब ये डाइविंग करने जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिक्सचर होता है उसमें, ठीक है, सिलेंडर में. तो ए है हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन और डी है हीलियम. तो इसका राइट आंसर है 25th का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. नाइट्रोजन जो होता है अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन जो होता है वहाँ पे उनको मदद करता है, ठीक है, डीप सी डाइविंग में, ठीक है. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन. 26th क्वेश्चन, द मोस्ट मालेबल मेटल इज ए सिल्वर, बी गोल्ड, सी एल्यूमिनियम और डी सोडियम. तो इनमें से मोस्ट मालेबल मेटल है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गोल्ड इज मोस्ट मालेबल अमंग दिस. 27th क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स विच वन कॉजेज एयर पॉल्यूशन इन अ बिग सिटी. तो इनमें से एक बड़ी सिटी जो होती है वहाँ पे एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जो है इन चार में से कौन सा जो है बहुत कॉज करता है, ठीक है. ए है कॉपर, बी क्रोमियम, सी लेड और डी कैडमियम. तो इसमें राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. लेड जो है इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन बिग सिटीज़, ठीक है. सो 27th का ऑप्शन है सी, राइट आंसर. 28th क्वेश्चन, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, तो इनमें से ब्रास जो है वो किसका एलॉय है. ए कॉपर एंड जिंक, बी एल्युमिनियम मैग्नीशियम, सी सी यू ए एल जेड एन और डी सी यू एस एन. तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट आंसर है यहाँ पे 28th का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. सी यू और जेड एन जो है कॉपर एंड जिंक आर द एलॉय ऑफ ब्रास, ठीक है. 29th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कवरिंग वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन विद जिंक लेयर टू प्रिवेंट करोजन इज कॉल्ड. तो पानी की जो पाइपें होती हैं उनको हम जो आयरन की होती है ना उनको हम जिंक की लेयर से कवर कर देते हैं ताकि वो करोजन उन पर ना इफेक्ट हो, ठीक है. तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने, करोजन को प्रिवेंट करने के लिए जब हम पानी की जो आयरन की पाइप्स होती हैं उनको जिंक लेयर से कवर करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है. तो ए है जिंक प्लेटिंग, बी है एलॉय फॉर्मेशन, सी है वल्केनाइजेशन और डी है गैल्वनाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर डी जो है गैल्वनाइजेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को जिसमें करोजन को प्रिवेंट किया जाता है ताकि जो हमारी भी वाटर की पाइप्स हैं, ठीक है, जो कि आयरन की बनी है उनको हम जिंक लेयर से कोट कर दें और वो करोजन ना उन पे इफेक्ट कर पाए, ठीक है. सो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन. तो 29th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. 30th क्वेश्चन, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड, तो ये तो सबको आना चाहिए कि स्वेट जो होती है हमारी उसमें पानी और उसके साथ साथ क्या होता है. ए है सॉल्ट, बी विनेगर, सी सिट्रिक एसिड और डी लैक्टिक एसिड. तो ये तो ऑब्वियस है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है. 30th का राइट आंसर ए, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट. 31st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रैपिंग अ फ्रैक्चर्ड बोन्स. तो जो हमारी बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता है ऊपर उसको कवर किया जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा है कि क्या यूज़ किया जाता है फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स. तो ए है वाइट सीमेंट, बी वाइट लेड, सी जिंक ऑक्साइड और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये फ्रैक्चर्ड बोन्स जो है उनको कवर करने के लिए, रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो 31st का डी राइट आंसर है. 32nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है. तो ए है फ्लोरीन, बी है पोटेशियम, सी लेड और डी एल्यूमिनियम. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. पोटेशियम इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है. सो बी राइट आंसर है 32 का. 33 क्वेश्चन,
वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, तो वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट और डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो होता है कॉमन नेम फॉर, सॉरी वो होता है केमिकल नेम, ठीक है। और इसका सोडियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो है वॉशिंग सोडा। आप मुझे कमेंट में आज ये बताइएगा, इस जो मैं आपको पता कि हमेशा MCQs जब भी लाती हूँ तो मैं एक ज़रूर क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ ताकि आपको भी थोड़ी नॉलेज जो है एक्स्ट्रा आपको मिले। तो आप मुझे आप ये बताइएगा कि जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, ये किसका कॉमन नेम है, ठीक है। मे बी इन चार ऑप्शंस में से ही कोई एक हो, तो आप देख लीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका जो कॉमन नेम होता है वो वॉशिंग सोडा होता है। तो आप मुझे कमेंट में बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल नेम बताइएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 34th, ग्लास इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ, तो ग्लास जो होता है वो किसके मिक्सचर से बना होता है? ए क्वार्ट्स एंड माइका, बी सैंड एंड सिलिकेट्स, सॉरी बी सैंड एंड सॉल्ट, सी सैंड एंड सिलिकेट्स और डी नन ऑफ द अबव। तो 34th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्लास इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सिलिकेट्स। 35th क्वेश्चन, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, तो ग्रीन फ्रूट्स जो होते हैं उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, तो उसमें कौन सी गैस जो है इन ऑप्शंस में से यूज़ की जाती है? तो ए है एसिटिलीन, बी है इथाइलीन, सी है बोथ ए एंड बी और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 35th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 35th का आंसर है। एसिटिलीन और इथाइलीन गैसेस जो होती हैं वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट में यूज़ किए जाती हैं, ठीक है। आपको पता है आजकल मैक्सिमम फ्रूट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियली ही राइप किए जाते हैं, चाहे वो कोई भी फ्रूट आप ले लीजिए, तो कोई भी ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको आजकल जल्दी मार्केटिंग वैल्यू को बढ़ाने के लिए, जल्दी मार्केट में लाने के लिए आर्टिफिशियली जो है उनको पकाया जाता है। तो यहाँ पे यही है कि ये जो गैसेस होती हैं इन्हीं को यूज़ किया जाता है, या पाउडर बेस्ड में होती हैं, कुछ चीज़ें पाउडर फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सो ये सब जो होते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में यही चल रहा है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे यही क्वेश्चन था कि एसिटिलीन और इथाइलीन जो होते हैं ये गैसेस जो होती हैं ग्रीन फ्रूट्स को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सो 35th का सी राइट आंसर है। 36th क्वेश्चन, व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, तो इसी तरह ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लाया क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम जो है JKSSB के हुए हैं अभी, उसमें भी एक डेंसिटी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, तो मैंने उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो जो वाटर होता है जब वो फ्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, बिकम जीरो और रिमेंस कांस्टेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 37th क्वेश्चन, द इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म अमंग द फॉलोइंग इज, तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है, जो कि मरता नहीं है, ठीक है, चाहे वो फ्यूजन हो, फ्यूजन हो, कुछ भी, मतलब वो प्रोसेसेस से अपनी जो है लाइफ जो है वो बढ़ाता रहता है। तो इनमें से कौन सा है? ए है अमीबा, बी है हाइड्रा, सी है एस्कैरिस और डी है लीच। तो 37th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो अमीबा होते हैं ना, ये अपने आप को ही कट इनटू टू पीसेस, तो ये दो बन जाते हैं, फिर वो फर्दर कट करते हैं तो ये चार बन जाएंगे, और फर्दर इसी तरह से इनका जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसलिए इनको इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। सो 37th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। 38th, द बोन ऑफ बर्ड्स इज, जो बर्ड्स होती हैं उनकी बोन्स क्या होती हैं? ए है सॉलिड, बी है हॉलो, सी है फ्लेक्सिबल और डी है नन ऑफ द अबव। तो 38th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे हॉलो भी आंसर हो सकता है, चलो यहाँ पे हम फ्लेक्सिबल ही मार्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो 38th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल। 39th क्वेश्चन, एनिमल्स हैविंग एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस, तो जो एनिमल्स जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो वो क्या पोजेस करते हैं? ए है सीडोसील, बी है हेमोसील, सी है सिलेंट्रॉन और डी है स्पॉन्जोसील। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द एनिमल्स हैविंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पोजेस हेमोसील। 40th क्वेश्चन, इंसुलिन ए कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, बी स्टिमुलेट्स लैक्टेशन, सी इंक्रीजेस ब्लड शुगर, डी डिक्रीजेस ब्लड शुगर। तो जो हमारा इंसुलिन होता है ना, आपको पता है जो भी डायबिटिक होते हैं, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन लगाया जाता है, ठीक है।
इंसुलिन क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनका शुगर लेवल जो होता है वो काफ़ी हाई जाने लगता है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करने के लिए जो है इंसुलिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो 40th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड शुगर। 41 क्वेश्चन, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, ए अमीनो एसिड, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी एसिटिक एसिड और डी एजिलिक एसिड। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं और ये सबको पता है। आप मुझे ये बताइएगा कि विटामिन सी जो होता है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। 42nd क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड के अंदर, ब्लड में आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, उसमें जो प्रोटीन होता, उसमें एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन किस चीज़ में रिच होता है, तो ये है आयरन, बी है सिल्वर, सी है कॉपर और डी है गोल्ड। तो ये तो सबको ऑब्वियस आना ही चाहिए कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें आयरन कंटेंट होता है। इसलिए आपको पता है आजकल की मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा, जिनको ब्लड लेवल कम हो जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको आयरन कंटेंट बोलते हैं कि ज्यादा लो, ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो होता है ना ब्लड में, वो भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसके अंदर आयरन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो 42nd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन। 43rd क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशंस, तो जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें इनमें से क्या एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज किया जाता है, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड नहीं यूज़ किया जाता, ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है एसीटोन, सी है क्लोरोफॉर्म और डी है ईथर। तो 43rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है सर्जिकल ऑपरेशंस में जो है एनेस्थेटिक एजेंट की तरह नहीं यूज़ किया जाता। ठीक है, सो 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग, सुसाइड बैग इनमें से किसको बोला जाता है, ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी प्रोटोप्लाज्म। तो 44th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लाइसोसोम जो होते हैं ना इनको सुसाइड बैग कहा जाता है, क्योंकि आफ्टर फ्यू टाइम ये खुद से जो होते हैं मरते जाते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स खुद से अपने आप को जो है फिनिश खत्म करते हैं, तो इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, सो 44th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम्स। 45th क्वेश्चन, डीएनए डज नॉट हैव, डीएनए जो होता है उसमें आपको पता है कि डीएनए में स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो है कौन सा डीएनए में नहीं होता। ठीक है, ए है एडेनिन, बी है यूरेसिल, सी है ग्वानिन और डी है थायमिन। तो 45th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरेसिल जो होता है ना वो डीएनए में नहीं होता, एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन होते हैं। ठीक है, सो 45th का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल। 46th क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ, तो जो पीएच लेवल होता है ब्लड प्लाज्मा का वो क्या होता है, ए 7.4, बी 7.8, सी 6.9 और डी 6.3। तो 46th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। 47th क्वेश्चन, इटाई डिजीज इज ड्यू टू पॉइजनिंग कॉज्ड बाय, तो जो इटाई डिजीज होती है वो किसकी वजह से जो है पॉइजनिंग, किस चीज़ से हमें जो पॉइजनिंग कॉज होती है उसकी वजह से इटाई डिजीज़ होती है, तो यह है मर्कुरी, बी है आर्सेनिक, सी है कैडमियम और डी है एस्बेस्टोस। तो 47th का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैडमियम जो होता है इसकी पॉइजनिंग की वजह से जो है इटाई डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, 48th क्वेश्चन, सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस आर, तो ए है फीवर, बी है कफ, सी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो पता है आपको, ये सबको पता होगा, अभी तो कोरोना वायरस का ही माहौल चल रहा है, तो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हमारे फीवर भी होते हैं, कफ भी होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होता है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 48th का ऑल ऑफ द अबव आंसर है। 49th क्वेश्चन, RNA plays an important role in, तो RNA जो होता है हमारा, आपको पता है DNA होता है और एक RNA होता है, RNA जो होता है वो क्या करता है, ठीक है, उसका important role क्या होता है, तो ए है protein synthesis, B है fat synthesis, C है glucose synthesis और D है both A and C। तो 49th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RNA plays an important role in protein synthesis। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर फॉर 49th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन, एंड दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो,
द स्वीटेस्ट शुगर इज़ ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी फ्रुक्टोज और डी लैक्टोज। तो स्वीटेस्ट शुगर जो होती है वो होती है हमारी फ्रुक्टोज, ठीक है। तो 50th का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताइएगा, आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर रहा है, और एक दो क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं में वीडियो के उनका आंसर भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको और इस तरह की MCQs और मॉक टेस्ट देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप वो प्लेलिस्ट ओपन करके जितने भी मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे आप जाके ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर भी बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।